एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक महिला आयोग, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी आयोग है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए आज तक 75 साल में कोई आयोग ही गठित नहीं हुआ है। जैसे उनका नाम तो पता है सबको कि पलटूराम उनका नाम पड़ा था, उसी वजह से वो पलट गए अपने उस वादे तू से। जो है अपनी चरम सीमा पर है, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, आप पैदल चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं? मेरा पहला पहला क्वेश्चन, ये इलेक्शन कैंपेन किया है, कैसा अनुभव रहा, कैसा लोगों का रिएक्शन रहा जब आप नंगे पांव जो है वोट मांगने जाते हैं? लोग कहते क्या है? क्योंकि जिनसे आपका मुकाबला है वो कहते हैं कि हम 5 लाख वोट से जीतने वाले हैं, वो पहले ही बता रहे हैं, आप कह रहे हैं आप जनता के लिए जो है नंगे पांव चल रहे हैं। ओपन मंच से बात करते हैं, जैसे यहाँ पर गांधी चौक पर आकर अनुराग जी एक बार बोल देते हैं कि हम सामान्य वर्ग के लिए ये करेंगे, सामान्य वर्ग के लिए ये योजना लाएंगे, तो तो हम इस पार्टी को ताला लगा देंगे। अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर, और जिस तरह से मैं बता दूं कि 1 जून को जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हिमाचल में होने जा रहे हैं, और जिस तरह से चुनावी बिगुल जो है कहीं ना कहीं बज चुका है। अभी हमारे साथ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जो उम्मीदवार हमारे साथ है जगदीप कुमार जग्गू जी, मैं आपको बता दूं तो इनका कैंपेन करने का कुछ अनोखा ही तरीका है, और ये नंगे पांव जो है पूरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमीरपुर में ये लोगों के पास जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या है इस चुनाव प्रचार के पीछे और क्या है इस तपती धूप में अपने पैरों को जलाने की वजह? सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय हमें दें। नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जगदीप कुमार ठाकुर है, मैं बिलासपुर श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से हूँ, और काफ़ी लंबे समय से हमारा एक संगठन है देवभूमि क्षत्रिय संगठन, हम उसके बैनर के नीचे बहुत सारे आंदोलन हमने किए। जैसे आपको याद होगा धर्मशाला में 10 दिसंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हिमाचल के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन हमने वहाँ पर किया। हमारे कुछ तब मांगे थी कि जैसे बाकी आयोग हैं एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक महिला आयोग, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी आयोग है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए आज तक 75 साल में कोई आयोग ही गठित नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया धर्मशाला में। लेकिन जयराम जी ने वहाँ हामी भरी, लेकिन बाद में वो मुकर गए। जैसे उनका नाम तो पता है सबको कि पलटूराम उनका नाम पड़ा था, उसी वजह से वो पलट गए अपने उस वादे से। तो उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हमारे अगर विधानसभा में कुछ MLAs होंगे या लोकसभा में कुछ MP होंगे, अगर वो हमारी आवाज़ बनेंगे वहाँ पर, तो इस जो हमारी मांग है इसको हम आसानी से सरकार तक पहुँचा सकते हैं और अपनी मांग बनवा सकते हैं। मई का महीना लगा है और लू जो है अपनी चरम सीमा पर है, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, आप पैदल चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं? मेरा पहला क्वेश्चन होगा जी, चल हम रहे हैं समाज के लिए ही, हमारे उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं, समानता के मुद्दे को लेकर। 27 अगस्त से मैं अंत्याग पे हूँ, जैसे हमारी अंत्याग यात्रा चली थी उसके बाद मैंने ये अंत्याग कंटिन्यू रखा है, और नंगे पांव चलने का मेरा उद्देश्य यही था कि ताकि हमारी जनता जागे। अब आपने देखा होगा कि भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे, वो क्यों चढ़े थे? ताकि हमारा समाज जागे अपनी आज़ादी के लिए। अगर हमारा समाज अपनी आज़ादी के लिए जागेगा तभी उनको आज़ादी मिलेगी। उसी तरह मैं भी नंगे पांव चलाऊं ताकि लोगों को ये दर्द महसूस हो। आपने घर घर जाके जो है ये इलेक्शन कैंपेन किया है, कैसा अनुभव रहा, कैसा लोगों का रिएक्शन रहा जब आप नंगे पांव जो है वोट मांगने जाते हैं, लोग कहते क्या है? अनुभव बहुत अच्छा रहा है और जनता का पूरा समर्थन है। माताओं बहनों के आंखों में मैंने आंसू देखे हैं, जो वो मुझे देखती हैं इस तरह से कि नंगे पांव चल रहे हैं और पैरों में छाले पड़े हैं, पैर जैसे चप्पल घिसती है वैसे घिस चुके हैं, तो उनकी आंखों में आंसू हैं और वो पूरी तरह से समर्थन में है मेरे, माताएं बहनें खासकर। किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से आप हमीरपुर सीट से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ से भाजपा की बात करते हैं तो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे अनुराग ठाकुर के साथ आपका सीधा मुकाबला है, क्या लोगों को कहना चाहेंगे, किस तरह से चुनौतियां हैं आपके बीच में, आप मानते हैं कि आप उनको पछाड़ सकते हैं कहीं? देखिए, मैं लोगों को सीधी बात बोलना चाहूंगा कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, मैं नंगे पांव चल रहा हूं, अनुराग ठाकुर जी मेरे साथ अगर नंगे पांव चलेंगे तो वो जनता का दर्द समझ पाएंगे। अगर वो 1 किलोमीटर भी नंगे पांव चलते हैं दोपहर को, तो हमारा स्टैंडर्ड वो मैं समझूंगा उन्होंने मैच कर लिया।
कहीं ना कहीं बड़ी बात है, बड़ा चैलेंज आपने दे दिया। एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे आखिरी में, जिस तरह से ओवरऑल तैयारियां किस तरह की हैं इलेक्शन के कैंपेन को लेकर जो है पूरी? बिल्कुल जी, हमारे हर विधानसभा में लोग प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं, मार्केट्स में प्रचार कर रहे हैं, पैम्फलेट्स दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि किस लिए हम चले हैं और जो ये त्याग है, बलिदान है समाज के लिए, ये क्यों कर रहे हैं, ये सब जनता को बता रहे हैं और जनता का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है। क्योंकि जिनसे आपका मुकाबला है वो कहते हैं कि हम 5 लाख वोट से जीतने वाले हैं, वो पहले ही बता रहे हैं। आप कह रहे हैं आप जनता के लिए जो है नंगे पांव चल रहे हैं और गर्मी में हम देख रहे हैं कि तपती धूप में जो है आपके पांव में छाले पड़ गए हैं, हालांकि ये प्रयास जो है आपका अपने वर्ग के लिए, समाज के लिए है। आप समाज की बात करते हैं लेकिन कभी आप जो यहाँ कोई भी अगर इलेक्शन लड़ता है इस तरह का, तो कभी उन्होंने समाज की बात की या कभी उन्होंने विशेष वर्ग की बात की कि आपके वर्ग में जो आपकी लड़ाइयां हैं वो मनवाएंगे कभी सरकार में जाकर? नहीं, आज तक किसी भी MLA या MP ने हमारे मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं की है। ये तो हमारा सीधा चैलेंज है कांग्रेस या BJP को, अगर वो हमारे मुद्दों को ओपन मंच से बात करते हैं, जैसे यहाँ पर गांधी चौक पर आकर अनुराग जी एक बार बोल देते हैं कि हम सामान्य वर्ग के लिए ये करेंगे, सामान्य वर्ग के लिए ये योजना लाएंगे, तो हम इस पार्टी को ताला लगा देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही है कहीं ना कहीं, और अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक चींटी जो है हाथी को मसलने का दम रखती है, अगर एक चींटी हाथी की सूंड में घुसी तो हाथी का काम भी तमाम कर सकती है। हालांकि ये इलेक्शन है, क्या होने वाला है, क्या लोगों ने सोचा है, क्या इनकी रणनीति है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी सद्भावना है कि आप लोगों के लिए, किसी समाज के लिए और लोगों की बात रखने के लिए इस तपती धूप में भी नंगे पांव चल रहे हैं, अंत्याग आपने कर रखा है। यदि आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप मुझे ये 3 काम बताएं जो आप हमीरपुर के लिए कुछ करना चाहें। हमीरपुर के लिए हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी रोजगार। जैसे अनुराग जी बात करते हैं, हम एम्स लाए, हम 4 लेन लाए, हम रेलवे चलो ला रहे हैं, लेकिन वहाँ रोजगार हिमाचलियों को नहीं मिला है। जितने भी ठेकेदार हैं बाहर से आए हुए हैं, जितने भी रोजगार मिला है वो बाहर से आया हुआ है। जैसे एम्स में हुआ, एम्स में सिक्योरिटीज और इवन जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो भी बाहर से आया हुआ है। वो इनकी जो इनके जान पहचान के होते हैं, जैसे आप बोलते हैं आंख भिड़ दिले सौदे, बस वही किया हुआ है। अपने जानने वालों को इन्होंने नौकरियां दी हैं, ठेके दिए हुए हैं, ये पैसे का खेल चला हुआ है। हमारा सबसे पहली प्राथमिकता रोजगार रहेगी और समानता हमारा सबसे पहला मुद्दा है जिसे हम उठाएंगे लोकसभा में। बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो अपना दर्द भुलाकर नंगे पांव सड़क पर चल सकता है, वही जनता का दर्द समझ सकता है, वही समझ सकता है जनता का दर्द। जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है ना, वो जनता का दर्द नहीं समझ सकता। तभी मैंने अनुराग ठाकुर जी को चैलेंज किया है कि आप तपती धूप में आप नंगे पैर छोड़िए, आप जूतों के साथ एक बार प्रचार करके बताइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे जगदीप कुमार जग्गू जी, जिन्होंने खुले मंच पर चैलेंज दे दिया है यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को, और जिस तरह से अनुराग ठाकुर को भी इन्होंने एक चैलेंज दिया है कि यदि वो 1 घंटा मेरे साथ इस तपती धूप में नंगे पांव चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और दूसरी बात, यदि कोई भी ये कांग्रेस से हो या BJP से हो, कोई भी नेता यदि सुवर्ण समाज के लिए, सामान्य वर्ग के लिए बात करता है तो ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, देखने वाली बात यह है कि इसका कितना असर जो है हमीरपुर की जनता पर पड़ता है। तो चलिए, खबर खास TV के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।